my school. It's right, please, and change along my school. Thanks. This is our computer lab. We charge computer from third standard itself. This is a school for my dream come true. नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूँ आपके साथ रमेश जाखड़। बनी में जो विवाद हुआ, जो सरपंच प्रतिनिधि और दूसरे गुट के बीच में जो आपस में झड़प हुई, चोटें लगी, उसके बाद लगातार जो है वो राम सिंह सहारण जो कि पूर्व सरपंच है, उन पे लगातार आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं कि अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए जो है वो राम सिंह सहारण ने ये सब जो है वो करवाया है। और ऐसे में कि राम सिंह सहारण खुद तो कुछ कहते नहीं है, दूसरे के कंधे पर बंदूक रख करके जो है वो निशाना लगाते हैं और कहीं ना कहीं वो कामयाब भी हो रहे हैं। इस तरह के जो है वो लगातार आरोप राम सिंह सहारण पर हैं। तो चलिए इसी कड़ी में राम सिंह सहारण जो कि पूर्व सरपंच हैं बने गांव से, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर वो अपने ऊपर लगे इन तमाम आरोपों पे जो है वो क्या कुछ कहते हैं, क्या ये जो हमला जो हुआ है सरपंच प्रतिनिधि पे वो इन्हीं ने करवाया है, या इन पे जो आरोप लगे हैं उन पे क्या कुछ कहते हैं। सरपंच साहब, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि लगातार आप पे आरोप लग रहे हैं, लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि राम सिंह सहारण ने अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए हार चुके हैं तो हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, उस हार की बौखलाहट ये दिखाई दे रही है, तो आपने हमला करवाया। तो सबसे पहले तो जाखड़ साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों को सच्चाई से रूबरू करा रहे हैं, आपका तह दिल से धन्यवाद। और दूसरी बात ये कि जी, वो कह रहे हैं कि हार नहीं पचा पा रहे हैं, तो मैं तो पहले भी हारा था जी, और 7 साल मैंने सरपंची भी की, आज तक मैंने किसी को एक गलत लफ्ज़ भी यूज नहीं किया जी, और कभी किसी को लड़ाई झगड़ाई पे अगर मैं गया भी नहीं हूँ। जो अब मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये झगड़ा इन्होंने कराया, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं जब स्टेडियम में थे तब तक कोई झगड़ा नहीं हुआ था, 5 मिनट पहले मैं स्टेडियम में से आ गया था जी, उसके बाद झगड़ा हुआ, 10 मिनट बाद में मुझे पता चला है कि झगड़ा हो गया। मैं मौके पर गया हूँ, तब दोनों गुट शांत हो चुके थे, और थोड़ा बहुत अगर तू मैं कर रहे थे तो मैंने जो अपने थे उनको भी मैंने ये कहा था भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ये कोई हल नहीं है। अगर वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो ये किसी भी तरह से, देखो पंचायत की बात करें या अपने जो ग्रामीण लेवल पे बात करें, तो वो होता है नेम धर्म, या तो वो कर ले, मैं तैयार हूँ जी, मेरा परिवार तैयार है, या जो भी वो गाँव में जिसकी तरफ उंगली करेंगे मैं वो आदमी खड़ा कर दूंगा जी, जिस मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में, जहाँ भी, या वो लीगल तौर पे कानूनी रूप से साबित कर दे जी कि मेरा कहीं पे 1% भी अगर रोल हो तो जो मुझे गांव सजा देगा मैं उसके लिए तैयार हूँ जी। ठीक है, लेकिन एक बात ये भी चल रही है कि जब स्टेडियम के अंदर जो झगड़ा हुआ था आपस में, तू मैं हुई थी, थोड़ी हाथापाई जो बता रहे हैं, उस समय कहा जा रहा है कि राम सिंह सहारण जो है वो कुछ ही दूरी पर थे, अगर ऐसे राम सिंह सहारण झगड़ा नहीं करवाना चाहते तो जा करके छुड़ा भी सकते थे। नहीं जी, मैं ये कह रहा हूँ कि झगड़ा होने से 5 मिनट पहले मैं निकल चुका था वहाँ से, उसके बाद मैं, हमारे जो रिश्तेदार आए हुए थे हमारे भाई साहब के घर, उनके पास मैं बैठा था, एकदम फ़ोन आया कि ये बात हो गई, तो उसी टाइम मैं और हम जो मेरे भाई साहब हैं हम वहाँ गए हैं, झगड़ा शांत हो चुका था, दोनों पक्ष से दूर दूर खड़े थे, तो हमने वहाँ जाके उनको यही कहा भी झगड़ा नहीं करना है। ये अगर मुझे 1% भी पता होता ना जी कि झगड़ा हो सकता है तो मैं कभी भी वो झगड़ा होने ही नहीं देता, विनोद को लेके आता है, चाहे मैं बबलू भी, मेरा कोई वैर विरोध तो है नहीं जी, वो भी मेरा है, तो उसको भी मैं लेके आता कि आपने झगड़ा करना ही नहीं है, क्योंकि अब ये इस झगड़े से जो नुकसान हुआ है, खेल के नुकसान हुआ है, भाईचारे का नुकसान हुआ है, ये आज तक मैंने ना तो किया है और जी ना ही मेरे करने की कभी सोच रही है। ठीक है, अब अगर बात करें तो लगातार जो है वो एक आरोप आप पे ये भी है कि चुनाव में भी आप पे आरोप लगा था कि लगातार जो है वो फेक आइडियाँ बना करके भ्रामक प्रचार जो है वो कर रहे हैं, और अभी एक फेक आईडी से कमेंट जो है वो आपने करवाया है, उसके बाद वो आईडी डिलीट करवा दी, जो मेन झगड़े की जड़ या वजह जिसको माना जा सकता है। देखिए जी, फेक आईडी बनाना या बनवाना, और अगर मेरी कोई फेक आईडी बनाता है तो सबसे पहले तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि मैं FIR लॉन्च करवाऊं और उसकी जांच करवाऊं। तो अगर नैना जी की फेक आईडी बनी है तो आप उसकी जांच करवाइए, मैं आपका भरपूर सहयोग दूंगा, और अगर कहीं भी दोषी कोई भी पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी, चाहे अगर कहीं वो बार बार अगर मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मैं दोबारा कहता हूँ
कि अगर मेरा साबित हो जाता है या मेरे परिवार का भी कोई साबित हो जाता है तो उसकी जो सज़ा वो देंगे वो मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। तो इस पे तो कोई दो राय नहीं है जी, कोई ज़्यादा झंझट वाली बात ही नहीं है। आप एक एप्लीकेशन दो, उसकी जाँच करवाओ, क्लियर तो हो जाना है कौन सी जीमेल आईडी से वो आईडी बनी है, कौन से मोबाइल से वो आईडी चल रही थी, कौन से नंबर से वो आईडी बनी है। ये तो आजकल कोई बड़ी बात नहीं है जी। आप एप्लीकेशन दो उस आईडी के बारे में, हम आपका साथ देंगे। जहाँ तक आप लेके जाओगे हम जाएंगे कि ये आईडी की क्लियर जांच होनी चाहिए, ये आईडी फेक है, अगर फेक है बनाने वाला है उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो मैं खुद क्यों ना हूँ। ठीक है, अब अगर बात करें तो आईडी की आपने कही, उसके नीचे जो वो लगातार कमेंट आ रहे हैं फेसबुक पोस्ट पे और यूट्यूब पोस्ट पे कि आपने जो है वो काफ़ी घपला किया है, काफ़ी घोटाला किया है, उसको लेकर के क्या बोलते हैं? उसके लिए भी आजकल जी सरकार ने बढ़िया जो व्यवस्था कर रखी है, आप आरटीआई लगाइए, सब डॉक्यूमेंट ऑनलाइन है। आजकल तो कोई ये एक पेन भी अगर खरीदता है तो उसका भी काम बिल है, उसकी डिमांड है, उसके प्रस्ताव है, जो भी है वो हमें लगाने पड़ते हैं। ये तो एक बच्चों वाली बात है कि जी उसने वो खा लिया, उसने वो खा लिया, कहने से तो मैं भी कुछ कह सकता हूँ, वो भी कुछ कह सकते हैं, उनका ये पर्सनल निजी राय है। लेकिन मैं दोबारा उनसे कहता हूं कि जो बार बार कह रहे हैं वो आरटीआई लगाए और डाटा लोगों के सामने ला के पेश करें कि ये देखो जी ये हम जो कह रहे थे वो हुआ है, तो मैं भी मानूंगा जी। और कहीं अगर जुर्म किया है या घपला किया है तो उसकी सज़ा तो सरकार देगी और हम भुगतने के लिए तैयार होंगे जी। फेक आईडी की बात अभी आपने कही कि उनको जांच करवानी चाहिए, कहीं ना कहीं ये नहीं लग रहा कि अगर नैना झोरड़ जो है वो अपने अकाउंट से उस तरह के अगर कमेंट करेंगी तो शायद मुझे नहीं लगता कि एक सरपंच प्रतिनिधि को या सरपंच को जो है वो इस तरह की भाषा शोभा देती होगी, और मुझे ये भी नहीं लगता कि नैना झोरड़ ने वो कमेंट किए होंगे, कहीं ना कहीं किसी और ने कमेंट किए होंगे। तो आप इसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहें, क्या नैना झोरड़ कर सकती हैं? देखिए जी, मैं ये तो नहीं कहता कि वो कर सकते हैं, क्योंकि एक वीडियो भी आई थी जिसमें उन्होंने बोला था, ठीक है वो जोश जोश में उन्होंने बोल दिया था, उसके बाद अगर वो नहीं कर रहे हैं तो उनकी आईडी कौन हैंडल कर रहा है? अगर मेरी आईडी कोई हैंडल कर रहा है तो मेरे को पता होगा। आजकल तो ये भी है कि अगर आपकी आईडी को कोई लॉगिन करता है तो आपके पास तब का तब ही मैसेज आ जाता है कि आपकी आईडी फलाना मोबाइल और फलाना जीमेल आईडी के थ्रू लॉगिन हुई है। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है जी, अगर मेरी आईडी को कोई हैंडल कर रहा है तो उसको मैं देखूँ कि वो कुछ उस पर गलत कॉमेंट कर रहे हैं, तो वो उस पर जो लांछन है या उस पर जो प्रॉब्लम आनी है वो तो मेरे को आनी है ना, तो उसके लिए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी बनती है कि कौन क्या कर रहा है वो मैं जांच करवाऊँ। ठीक है, यानी कि नैना झोरड़ को ये जांच करवानी चाहिए? बिल्कुल जी, मैं तो उनका बार बार कह भी रहा हूँ कि जांच करवानी चाहिए, और जहाँ पर वो उनके दिमाग में क्या चलता है या उनके आदमियों के दिमाग में क्या चलता है, मेरे 1% भी कोई दिमाग में ये भेदभाव की वो नहीं है। ठीक है, चुनाव था, चुनाव में हमने आरोप प्रत्यारोप किए, उसके बाद अब मैं ये चाहूँगा कि नैना जी आगे आए, उसकी जांच करवाए, जहां भी हमारी उनकी सहयोग की ज़रूरत होगी हम उनको सहयोग करेंगे। और अगर ये कमेंट उन्होंने किए हैं तो देखिए, अगर मैं गलती करता हूं तो उसकी माफ़ी भी होती है, गांव का जो भाईचारा है वो कायम रखने के लिए अगर मुझे कहीं मैं गलती कर रहा हूं और मुझे माफ़ी मांगनी पड़ी तो ये इसमें मेरी बड़प्पन ही होगा, कोई हल्काई की या छोटेपन की बात नहीं होती। गांव के जो मौजिज लोग हैं बार बार इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो ये बातें छोड़कर, इल्ज़ामों की बातें छोड़कर दोनों पक्षों को बिठाए, जिसकी गलती है उसको कहे कि भाई तू गलत है, क्योंकि बात को बात कहने की हिम्मत रखनी चाहिए, हम जिंदा हैं तो जिंदा नज़र आना भी चाहिए, क्योंकि ये नहीं है कि जी आदमी अगर जिंदा है तो वो पानी का विरोध तो करेगा, और अगर आदमी मर चुका है वो लाश है तो वो पानी के साथ बहती है, तो लाशें न बने, गलत को गलत कहे, मैं गलत हूँ तो मुझे गलत कहे, और मुझे गलत कर रहे हैं तो उसको डिफाइन भी करे कि तू यहाँ पे गलत है। उसके बाद अगर कहीं भी 1% भी मेरी गलती आती है तो मैं पूरे गाँव से जिसके वो कहेंगे उनके मैं पैर पकड़ लूँगा, माफ़ी मांग लूँगा, लेकिन ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप न लगाएं। जो ये कह रहे हैं हमारे पूर्व सरपंच हैं, मेरे आदरणीय हैं रामचंद्र जी, बड़े भाई हैं हमारे, कि मैं खुदा नहीं हूँ, नहीं हूँ जी, मैं खुदा नहीं हूँ। अगर वो मानते हैं, उन्होंने कहा है कि वो काम नहीं करने दे रहे, वो काम कैसे करेगा, ये कोई बात थोड़ी है ना जी, काम ही कर रहा हूँ, काम रोका कहाँ है, एक बार बता दो कि मैंने ये काम रोका है। ठीक है, आज मंत्री जी का सरकार का सहयोग है, मैं चाहता हूं कि मेरे गांव में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, उसके लिए काम करवाने के लिए भी किसी को एलर्जी क्यों हो रही है जी? मैं अगर काम करवा रहा हूं
मंत्री जी से, हम सब मिलके काम करवा रहे हैं, काम ले रहे हैं, तो उसमें गांव का नुकसान क्या है? उनको तो ये कंपटीशन होना चाहिए जिससे गांव को फ़ायदा हो कि अगर राम सिंह एक गली लाएगा तो हम चार गली लेके आएंगे, इससे तो गांव को फ़ायदा होने वाला है जी। और ये आरोप प्रत्यारोप ये बगैर काम की बातें ना करें। वो बार बार कह रहे हैं कि मैं हारा था, आप हारे थे जब क्या हुआ था सबको पता है। हमारे गाँव में 2010 में हार हुई थी और चुनाव जीते थे ओम प्रकाश भाई साहब, उनके ऊपर 302 का पर्चा दर्ज हुआ था, पता है कि क्या हुआ था। तो देखो, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, बगैर जो बातें नहीं है वो मत करो, क्योंकि अगर बोलोगे तो बोलना सबको आता है जी। मैं सबकी इज्जत करता हूँ, क्योंकि मेरी तो उम्र ही अभी 36-37 साल उम्र है जी, और सब जो पूर्व सरपंच है या जो मौके के भी है ना, वो भी मेरे से उम्र में बड़े हैं। चाहे वो सरपंच नहीं भी है, बहुत से लोग हैं, तो मैं उनकी आदर करता हूँ। आज तक मेरा रिकॉर्ड रहा है जी कि मैं अगर कोई मेरा बड़ा भाई है तो मैंने उसके पांव छिए हैं। अगर मेरे से उम्र में बड़ा है और अगर वो मेरे भतीजा भी लगता है ना, तो पहले मैंने उसको राम राम किया है, क्योंकि मैंने ये, मेरे को शिक्षा मिली ही नहीं घर से कि मैं किसी का अपमान करूँ। चाहे ठीक है मेरा विरोधी है या नहीं है, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है, वो चुनावों तक की बात होती है। तो बार बार उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आरोप प्रत्यारोप न लगाएं, आप गांव का भाईचारा कायम करने के लिए दोनों पक्षों को बिठाए, उनकी बातचीत कराएं, जो गलत है उनको गलत करने की हिम्मत रखें जी। तो अब अगर बात करें तो जो बात आकर के उस कमेंट पे ही टिकती है, क्योंकि सबसे पहले वो वीडियो वायरल हुआ, वीडियो को चलो ठीक है, अभी काफ़ी समय बीत गया, वो बात जो है वो लगभग सुलट गई थी, कोई बैर विरोध नहीं था, उसके बाद में ये कमेंट किया गया है। तो क्या आपको लगता है कि जिसने भी ये कमेंट किया है वो इसी मंशा से किया होगा कि आपस में दोनों का झगड़ा बढ़े, ताकि जिसको जो स्वार्थ साबित सिद्ध करना था वो हो जाए? देखिए, उसके लिए पहले तो जांच होनी चाहिए, क्योंकि जांच होने के बाद ही हम ये कह सकते हैं कि किसी ने किया है। अगर जांच नहीं होती है तो देखो, मेरी आईडी है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी बनती है और आरोप भी मेरे पे ही लगेगा कि ये तो कमेंट भाई राम सिंह तूने ही किया है, तेरी आईडी से हुआ है। तो हाँ, जाँच होती है, उसके बाद हम बार बार कह रहे हैं कि अगर किसी और ने किया है तो वो दोषी है, और उसी दोषी ने दोनों परिवारों का झगड़ा करवाया है, तो उस दोषी को सजा गांव दे, कानून दे, उसमें हम उनका भरपूर सहयोग करेंगे। चाहे वो, बार बार कह रहा हूँ, चाहे वो कोई भी हो, मैं भी क्यों ना हूँ। ठीक है, अब अंत में अगर बात करें तो, क्योंकि गांव का भाईचारा जो है वो आपस में खंडित होने का काम जो है लगातार हुआ है इस घटना के बाद में, गांव के भाईचारे को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है, तो ऐसे में आने वाले समय में आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी और गांव के लोगों से क्या अपील करना चाहिए? देखिए, गाँव के लोगों से मेरी तो यही अपील रहेगी जी कि भाईचारे को किसी प्रकार से जो थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है उसको दोबारा हम कायम करें, आगे आएँ, जो गांव के मौजूद लोग हैं, पूर्व सरपंच है, वो आगे आए, और गांव के जो युवा साथी है, जो फेसबुक पे घर बैठे कंबल के अंदर सर्दी के अंदर बैठे बैठे जो क्रांति ला रहे हैं, वो ना लाए। आप फेसबुक को छोड़ दीजिए, आप उनको छोड़ दीजिए, जो गलत कमेंटबाजी है वो ना कीजिए, दोनों जो परिवार हैं उनको इकट्ठा होना दीजिए, ताकि जो गांव का भाईचारा है वो दोबारा से कायम हो सके। क्योंकि हमारे गांव की सदा से ये रही है कि चुनाव तक तो हमारा होता है, उसके बाद में हम एक मिलजुल के काम करते हैं। मैंने भी 7 साल काम किया है, मैंने हर पंचायत में गिरधारी है या रामचंद्र जी सरपंच है या ओम प्रकाश जी सरपंच, जो भी पूर्व सरपंच थे, मैंने उनको इज्जत रिस्पेक्टली हर जगह मैंने उनको बुलाया है, मैंने उनको आगे किया है। कोई दिक्कत नहीं है जी, एक चुनाव होता है, चुनाव में जनता जिसको ज़्यादा वोट देती है वो जीत जाता है। तो सबसे गाँव वालों से दोबारा ये रिक्वेस्ट है, ज़्यादा तो मेरी युवा साथियों से है, कि युवा साथी जो गर्मजोशी में कॉमेंटबाजी कर रहे हैं वो बंद कर दे, और ऐसा कुछ आगे आके करें कि दोनों परिवारों का जो है वो भाईचारा कायम हो सके। धन्यवाद, शुक्रिया बातचीत के लिए। राम सिंह सहारन जो कि पूर्व सरपंच है, इनके ऊपर जो तमाम आरोप लगे थे उन आरोपों पे जो है वो हमने इनका पक्ष जाना है, और इसके बाद नैना झोरड़ से भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। उन तक जो है वो मैसेज, संदेश जो है वो हमने पहुंचा दिया है कि आपके ऊपर जो आरोप लगे उस पर हम आपका एक इंटरव्यू करना चाहते हैं। तो खैर, आने वाले समय में अगर उनसे समय मिल पाता है तो उनसे भी हम आपको रूबरू करवाएंगे कि आखिर वो अपने ऊपर लगे इन आरोपों को लेकर के क्या कुछ कहते हैं, कमेंट्स को लेकर के या
जो भी ये मुद्दा जो विवाद हुआ है उस विवाद को लेकर के वो क्या कुछ कहते हैं वो भी हम आपको लगातार जो है वो उनसे मिलवाएंगे। तो लगातार इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल के साथ बने रहिएगा, क्योंकि हर वो तथ्य एक एक छोटी से छोटी चीज जो है वो हम आपको इस पूरे मामले से जुड़ी हर अपडेट जो है वो आप तक लेकर के आने का काम कर रहे हैं। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा, कमेंट में जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर जरूर कीजिएगा। कैमरा सहयोगी बिट्टू माहल के साथ रमेश जाखड़, के हरियाणा।